इन्वेस्टर्स समिट में इतने निवेशकों और उद्यमियों का एकजुट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं यूपी के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी को, मंत्रिमंडल के उनके सभी साथियों को, यहां की ब्यूरोक्रेसी को, यहां के पुलिस विभाग को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं कि वो अपने उत्तर प्रदेश को इतने कम समय में समृद्धि और विकास के रास्ते पर ले जाने में सफल हुए हैं। पहले की स्थितियां क्या थी, किन वजहों से थी, ये यूपी के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। भय और असुरक्षा के माहौल में जब सामान्य मानवी उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उद्योगों के लिए तो सोच ही कैसे सकते। विकास की बात करना, नौजवानों को नए अवसर की बात करना, मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस की बात करना, मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे माहौल का कभी संभव था। नेगेटिविटी भरे उस माहौल से राज्य को पॉजिटिविटी की तरफ लाना, हताशा निराशा उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है, वे बधाई के पात्र हैं। न्यू उत्तर प्रदेश की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण होगा और इसलिए इस पवित्र कार्य में, इस पवित्र यज्ञ में शामिल होने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में पुरानी कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। उत्तर प्रदेश में संसाधन और सामर्थ्य का इतना विस्तार है कि यहां पर सैकड़ों वर्षों से लगभग हर क्षेत्र की एक अपनी अलग पहचान रही है। लखनऊ के चिकन का काम मशहूर है तो मलिहाबाद के आम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, भदोही की कालीन है तो बनारस की जरी जरदोजी की कला और साड़ियां की धूम है, मुरादाबाद में बने पीतल के बर्तन देश विदेश जाते हैं तो फिरोजाबाद का कांच चमक दिखा के ही रहता है। ये हमारे आगरे के पेटा है तो कनौज का इत्र भी है, यहां सुबह बनारस है तो अवध की शाम भी है, यहां ताजमहल सारनाथ है तो अयोध्या मथुरा काशी भी है, यहां राम की लीला है तो कृष्ण की रास भी है, यहां गंगा है यमुना है तो सरयू जी का आशीर्वाद भी है, यहां आईआईटी कानपुर है, आईआईएम लखनऊ है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे महान संस्थान भी यहां पर है। ये उत्तर प्रदेश का गौरवशाली इतिहास ही नहीं, यहां का वर्तमान भी है। ये झलक उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर की है, टूरिज्म सेक्टर की है, ये झलक यहां के कल्चर की है, एग्रीकल्चर की है, ये झलक यहां की शिक्षा की है, ये झलक यूपी की शक्ति की है, यूपी की भक्ति की है। यही वो सामर्थ्य है, वो ताकत है जिसके दम पर उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं,
बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश आज अनाज के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में पूरे देश का नंबर वन स्टेट है। देश में दूसरे नंबर पर सब्जियां और तीसरे नंबर फलों का उत्पादन भी इसी उत्तर प्रदेश में होता है। लघु उद्योग के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। बीते कई वर्षों में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने राज्य को इस तरह संभालने वाले यूपी के कोटि कोटि भाइयों बहनों को मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। लेकिन नंबर वन नंबर टू के इस कंपटीशन के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया जाना आवश्यक है। सवाल यह कि अब आगे क्या उत्तर प्रदेश की क्षमता सिर्फ इतनी ही है? क्या उत्तर प्रदेश अपने सामर्थ्य से पूरा न्याय कर पा रहा है? साथियों, उत्तर प्रदेश में वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की भी ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ वर्क कल्चर में ही नहीं, सिर्फ बिजनेस कल्चर में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो कोर स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की आज बहुत जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी की सरकार इस बात का ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय ले रही है, नीतियां बना रही है। यूपी में औद्योगिक निवेश को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए यहां पर नीतियां बनाई जाती हैं, नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। योगी जी की सरकार द्वारा अलग अलग सेक्टरों के हिसाब से अलग अलग पॉलिसी बनाकर काम किया जा रहा है। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, रिन्यूएबल पावर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे अनेक क्षेत्रों के लिए अनेक दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाली नीतियां बनाई गई हैं। अब यूपी में उद्यमियों के लिए रेड टैप नहीं, रेड कारपेट होगा। आज इंडस्ट्री के लिए जिस डिजिटल क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया है वह भी इसी का उदाहरण है। ये एक सिंगल विंडो पोर्टल होगा जिसके माध्यम से उद्यमियों को एक तय सीमा में ऑनलाइन परमिशन मिल जाया करेगी। इसमें ह्यूमन इंटरफेस भी कम से कम होगा। निश्चित तौर पर ये यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से एक अहम कदम है। योगी सरकार पूरी गंभीरता के साथ किसानों से किए गए, महिलाओं और नौजवानों से किए गए वायदे पूरे कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष धान खरीद 4 गुना बढ़ी है और गन्ने का भुगतान भी पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 40% बढ़ा है। यूपी सरकार अब पावर ऑफ ऑल मुहिम से जुड़ गई है और इसका स्थानीय उद्योगों को भी बहुत ही फायदा होने वाला है। साथियों, उत्तर प्रदेश को मां गंगा के मैदानी इलाकों का
बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है। यहां की 60% जनसंख्या वर्किंग एज ग्रुप में है। इस इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर शक्ति का सही इस्तेमाल, मुझे विश्वास है कि यूपी को कई नई ऊंचाइयों को पार करने की एक नई ऊर्जा देगा, ताकत देगा और पहुंचा करके रहेगा। मैंने पहले भी कहा है, यूपी का पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल प्लस पॉलिसी प्लस प्लानिंग प्लस परफॉर्मेंस से ही प्रोग्रेस आती है। अब यूपी में सुपर हिट परफॉर्मेंस देने के लिए मुझे विश्वास है कि योगी जी की टीम तैयार है, यहां के नागरिक तैयार है, यहां का मानस बना हुआ है। आज के इस दौर में इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज पूरी वैल्यू चेन को ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा एफिशिएंट, हायर क्वालिटी और प्रोडक्ट को मार्केट तक तुरंत पहुंचाने वाला बना रही है। अभी मैंने एग्जीबिशन में ऐसी तकनीकों को देखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का यहां बहुत स्कोप है। पूरे देश में जिस राज्य में स्मार्ट सिटीज और अमूर्त सिटीज की सबसे ज्यादा संख्या है, बोध प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। भाइयों और बहनों, मैं अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में मुंबई में ऐसी एक इन्वेस्टर समिट में गया था और महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी राज्य व्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने का लक्ष्य रखा है। मैं आज आपके बीच एक और विचार रख रहा हूं, क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस बात की कंपटीशन शुरू हो सकती है? क्या दोनों में से कौन सा राज्य पहले ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार देश के और दूसरे राज्यों के साथ अलग अलग स्तर पर स्पर्धा करे, कंपटीशन करे? और ये कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना ही राज्य में निवेश भी बढ़ेगा, राज्य का विकास होगा, राज्य में रोजगार के नए अवसर बनेंगे, राज्य में इस तरह की हेल्दी रेस, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को भी और मजबूत करेगी। साथियों, यूपी की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योगों, जिन्हें हम लोग एमएसएमई के रूप में जानते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई सेक्टर में ही रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर बनते हैं और मुझे बताया गया कि यूपी में करीब करीब 50 लाख एमएसएमई यूनिट है। इनमें काम करने वाले लाखों लोगों का ही परिश्रम जो यूपी की हस्तशिल्प, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स, कारपेट, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स के निर्यात में निरंतर अग्रणी रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर की वजह से अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाए हुए हैं। रोजगार बनाने के नए अवसरों के लिए जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए हमें नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है।
मुझे ये जानकर खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। मैं समझता हूं अपने आप में ये गेम चेंजर है। हम क्लस्टर अप्रोच से परिचित थे, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक पूरी होलिस्टिक इकोसिस्टम पैदा करता है। इस योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्किल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, उसके कार्य भी बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, यूपी में चुनाव प्रचार के समय मैं हमेशा कहता था कि जब राज्य को डबल इंजन की पावर मिलेगी तो विकास और तेज गति से होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को बैकअप पावर मिलेगी केंद्र सरकार के स्किल इंडिया मिशन से, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया मिशन से, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से। इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अब तक 10 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दे चुकी है। लोगों को बिना बैंक गारंटी के स्वरोजगार के लिए 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लोन दे चुकी है। इस बजट में हमारी सरकार ने और 3 लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन के तौर पर देने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और मुद्रा का तालमेल यूपी में एसएमई सेक्टर को उसके कायाकल्प करने के लिए एक बहुत ही आसान रास्ता मैं समझता हूं। साथियों, हमें एक्सपर्टाइज और एफिशिएंसी की इंटरलिंकिंग के बारे में भी सोचना होगा। अगर मेरठ में कोई वर्ल्ड क्लास पोस्ट प्रोडक्ट बना रहा है तो उसके साथ ही हमें वर्ल्ड क्लास ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने वाली फर्म को भी आगे बढ़ाना होगा। वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, वर्ल्ड क्लास सर्विस होगी, तो वर्ल्ड क्लास टैलेंट भी हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ जुड़ने के लिए स्वतः आएगा। साथियों, खेती से जुड़ी एक बड़ी चुनौती है खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने में बड़ी मात्रा में फसल और फल सब्जियां खराब हो जाती है। एक अनुमान है कि देश में हर साल किसान भाइयों को 90,000 से 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस वजह से होता है। अब जैसे मैं आलू की बात करूं, यूपी आलू उत्पादन में नंबर 1 है। पहले तो आलू के चिप्स घर घर में बनते थे, लेकिन अब समय के साथ ये बहुत कम हो गया है। आप सोचिए, अगर आलू से चिप्स बनाने के उद्योग अगर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, उन तक किसानों की पहुंच आसान हो, तो कई हजार करोड़ का मार्केट किसानों को ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। यहां का दशहरी आम तो प्रसिद्ध है, लेकिन यह भी सच है कि मार्केटिंग और स्टोरेज की कमी के कारण काफी मात्रा में आम बर्बाद हो जाता है। आम उत्पादक की पहुंच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक ले जाने के लिए मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज का एक ग्रिड बनाए जाने पर सोचने की बड़ी आवश्यकता है। आम के पल्प से कई प्रकार से प्रोसेस प्रोडक्ट बनते ही हैं। बस हमें किसान और इंडस्ट्री के बीच का कनेक्शन मजबूत करना है। अब जैसे दूध उत्पादन में
उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे हैं, लेकिन अब इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, फार्म टू फॉर्क तक कैसी पूरी चेन, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा सकता है, इस बारे में भी हमें आगे कोई न कोई कदम उठाने होंगे। किसान के प्रोडक्ट और इंडस्ट्री की डिमांड के बीच कनेक्शन मजबूत करने, फसल अनाज फल सब्जियां उसकी बर्बादी कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना उसका आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत पूरी सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। किसान की आय बढ़ाने और उसका नुकसान कम करने की दिशा में ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी नुकसान को कम करने के लिए, देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग में 100% एफडीआई को भी मंजूरी दी है। साथियों, उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, इससे भी वेल्थ की असीम संभावनाएं मौजूद है। खासकर गन्ने के उत्पादन में यूपी के सबसे आगे रहने की वजह से यहां इथेनॉल प्रोडक्शन का एक बहुत ही पोटेंशियल है। यूपी में बायोफ्यूल के क्षेत्र में जितना विकास होगा उसका प्रभाव दिल्ली एनसीआर तक में दिखाई देगा। पर्यावरण के साथ साथ ये क्लीन एनर्जी की तरफ भी बड़ा कदम होगा और मुझे खुशी है कि राज्य में एक नई बायोफ्यूल पॉलिसी तैयार की गई है। इस पॉलिसी से क्रॉप बर्निंग जैसी समस्याओं का भी समाधान करने में मदद मिलेगी। ये सारे ही प्रयास 2022 तक, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करने में बहुत मदद करेंगे। साथियों, आज इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा भी करना चाहता हूं और वाकई ये घोषणा न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। इस वर्ष बजट में प्रस्ताव रखा गया था कि देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा। इनमें एक उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। बुंदेलखंड के विकास को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए अब यह तय किया गया है कि यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट तक पूरा बेल्ट होगा। इस कॉरिडोर में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है और ये करीब करीब 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर निर्माण करेगा। योगी जी की सरकार में बनने जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से विशेषकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड का औद्योगिकरण, मैं समझता हूं उसके कारण बहुत तेज गति से होगा। भाइयों और बहनों, यूपी में पहले यहां लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर सिर्फ 3 ही एयरपोर्ट थे। अब कुशीनगर और जेवर में 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत
आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, चित्रकूट, मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़ जैसे 11 शहरों में हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। जल्द ही इन शहरों में भी हवाई उड़ान की सुविधा उपलब्ध होगी। और जब मैं कहता हूं कि मेरा सपना है हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करने वाला बनना चाहिए, आप सोचिए जब यूपी में इतने एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं है, सिर्फ तन है, तब भी यहां पैसेंजर एयर ट्रैफिक में पिछले साल 30% का ग्रोथ है, 30%, ये राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज्यादा है। और जब नए एयरपोर्ट काम करने लगेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आएगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, करीब करीब 9000 किलोमीटर की लंबाई का रेल नेटवर्क। नेशनल हाईवे के नेटवर्क में भी यूपी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का काम पूरा हो जाएगा तो यूपी की अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिलेगी, एक नया बल मिलेगा। महत्वपूर्ण है कि ये दोनों कॉरिडोर यूपी के ही दादरी में मिलते हैं। इस कॉरिडोर के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की त्रिशक्ति यूपी के विकास में एक जबरदस्त बड़ा जंप लाएगी, उछाल लाएगी। वाराणसी से हल्दिया के बीच बन रहे नेशनल वाटरवे से भी यूपी के औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। इसके अलावा लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा में मेट्रो का विस्तार, मेरठ, कानपुर, वाराणसी में नई मेट्रो यूपी में वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करेंगी। साथ ही भारत नेट परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश की पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी यहां के ग्रामीण इलाकों को पूरी दुनिया के साथ जोड़ देगी। आधुनिक हाईवेज, रेलवेज, सबवेज या मेट्रो एयरवेज, वॉटरवेज, इंफॉर्मेशन वे, ये मिलाकर के ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे जो उत्तर प्रदेश को 21वीं सदी में नई बुलंदियों पर लेकर के ही रहेगा। बेहतर कनेक्टिविटी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ट्रांसपोर्ट के एक माध्यम से दूसरे से सीमलेसली स्विच करने में बहुत मदद करेगी। जब ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें कम होगी तो व्यापार भी उतनी ही आसानी से होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और इन सभी का प्रभाव जॉब ग्रोथ पर नजर आएगा। साथियों, टूरिज्म को कई बार मल्टीप्लायर फॉर ग्रोथ के तौर पर भी देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत चारों तरफ है, कला की अनेक विधाएं इस उत्तर प्रदेश में मौजूद है। आवश्यकता टूरिस्ट सेंट्रिक इकोसिस्टम को मजबूत किए जाने के लिए है। हेरिटेज टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, कितनी ही संभावनाएं यूपी में हैं जिन्हें और बेहतर तरीके से टैप किया जा सकता है। देशी और विदेशी टूरिस्टों की संख्या में इस मामले में भी उत्तर प्रदेश देश के टॉप राज्यों में से एक है, उसे नंबर 1 बनाया जा सकता है। इस समिट में
जो नई पर्यटन नीति घोषित की जा रही है, मुझे विश्वास है कि उससे ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। यूपी में अब टूरिज्म सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। भाइयों और बहनों, अगले वर्ष की शुरुआत में यानी 2019 जनवरी, अगले वर्ष की शुरुआत में प्रयाग में महाकुंभ का भी आयोजन किया जाएगा। पूरे विश्व में ये अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनो की तरफ से कुंभ को मानवता की अमूल्य धरोहर के रूप में मान्यता मिली है। ये हम सभी के लिए और विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है। कुंभ के दौरान कल्पवासियों से लेकर के देश विदेश से आने वाले लाखों करोड़ों लोगों के लिए 2019 का यह हमारा कुंभ अविस्मरणीय बने, उनके जीवन की सबसे बड़ी यादगार बने, यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करें, इस लक्ष्य के साथ अगर हम सब मिलकर के न सिर्फ भारत में, दुनिया में, दुनिया का कोई देश ऐसा ना हो इस बार कि जिसमें कोई न कोई व्यक्ति इस कुंभ के मेले में आया न हो। एक प्रकार का वैश्विक स्तर का कुंभ मेला और उत्तर प्रदेश का ब्रांडिंग, भारत की पहचान इससे संभव है। साथियों, इस तरह के इन्वेस्टर समिट की शुरुआत बहुत पहले गुजरात में इसका प्रारंभ हुआ, इसके बाद ये सिलसिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, असम जैसे राज्यों से होते हुए अब उत्तर प्रदेश भी आ पहुंचा है। हमारे लिए अब ये महत्वपूर्ण होगा कि इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयूज जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे, जिससे यहां के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। मैं योगी जी का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने वादा किया है कि इन सारे एमओयूज का वो स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे, वे स्वयं उसका फॉलोअप करेंगे, और इसलिए यहां जो एमओयू किया है वो भी तैयार रहे, क्या उत्तर प्रदेश सरकार उनके पीछे लग जाएगी। हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में, जॉब सेंट्रिक के साथ ही पीपल सेंट्रिक ग्रोथ पर भी जोर देती रही है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश के गरीबों का फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो, जो गरीबों को साथ लेकर के चले। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हम ईज ऑफ लिविंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। ये सरकार की नीतियां और योजनाओं का ये असर है कि जनधन योजना के तहत अब 31 करोड़ गरीब के बैंक अकाउंट खुलवाए जा चुके हैं। 18 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया महीने के प्रीमियम पर बीमा कवच दिया गया है। पिछले 3 वर्ष में गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ घर बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दे चुकी है। इस बजट में अब उज्ज्वला योजना को लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। देश के हर गरीब का घर रोशन हो सके, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना भी शुरू की है। इसके माध्यम से 4 करोड़ गरीबों को
मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इस बजट में हमने आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को हेल्थ एश्योरेंस दिया जाएगा और जिसके तहत एक गरीब परिवार में बीमारी आए साल भर में वो गरीब परिवार को दवाई का अगर खर्चा 5 लाख रुपया तक होगा तो 5 लाख रुपया सरकार इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उस गरीब परिवार को दे देगी। ऐसे अनेक कार्यों और योजनाओं से हमारी सरकार गरीबों के जीवन को आसान बनाने का काम कर रही है। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में जो स्ट्रक्चरल चेंज किए जा रहे हैं, पॉलिसी इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं, उसका लाभ देश के किसानों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को और समाज के वंचित तबकों तक पहुंचे। साथियों, न्यू इंडिया के निर्माण के लिए, न्यू उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए नए जोश, नई उम्मीद के साथ ही नए निवेश की भी आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में नए निवेश की संभावनाओं के नए द्वार खोलने में सफल होगी। इस उम्मीद के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। श्रीमान अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास की ऊंचाइयों पर तेज गति से आगे बढ़ने का जो प्रयास हो रहा है उसको आप सबके आशीर्वाद मिलेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा और भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश का निर्माण एक बहुत अहम भूमिका अदा करता है, उसको हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। इसी एक आशा अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। यूपीआईएस यानी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2018 की शुरुआत के वक्त वो एक ही बात पर जोर दे रहे थे कि यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुंभ का मेला, आप देखिए, इसको एक टूरिस्ट हब बनाया जा सकता है, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री क्यों नहीं हो सकती है। और बार बार सीएम योगी पर अपना विश्वास जताते हुए कहा कि वो जल्द ही यूपी की सूरत बदलेंगे और कुछ सूरत बदलती हुई तस्वीर तो आप दूसरी वाली देख ही रहे।